2004 में दुष्यंत चौटाला ने काफी इंतजार के बाद 25 प्रत्याशी घोषित किए, उनको उम्मीद थी कि भाजपा उनके साथ गठबंधन करेगी, लेकिन असफलता आ गई। क्या कहना सर उनका, क्या उनकी पार्टी को लोगों ने हरियाणा में पूर्णतः नकार दिया। अब वो राजस्थान में जाके अपनी जमीन खोज रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में उनको मैं समझता हूँ कोई लोगों उनका जनाधार कुछ बचा नहीं। प्रदेश में चुनाव से पहले 10 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बदल देती है भाजपा, और नायब सैनी को लेकर आते ओबीसी से प्रेम है या फिर ओम प्रकाश धनखड़ जाट नेताओं को अपनी तरफ ले नहीं पाए, क्या मानते हैं? देखिए ये भाजपा का अंदरूनी फैसला है, हम उनको अधिकार किसी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी भी पार्टी है, सब हर पार्टियों को अपने अंदरूनी संगठन को लेकर फैसले करने का अधिकार है। हम बीजेपी तो है नहीं कि 9-10 साल के बाद भी अपना कोई कार्य बताएंगे नहीं, केवल ये कहेंगे कांग्रेस के संगठन में ये कमी है, कांग्रेस के संगठन में ये कमी है। हम कोई बीजेपी संगठन में उनका अधिकार है वो जिसको, हाँ ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ वो किसी को बनाएं किसी को हटाएं, जनता ने हरियाणा की सत्ता से उनको हटाने का मन बना लिया है और संगठनात्मक फैसलों से अब कोई उनका बचाव नहीं हो सकता। सर हुड्डा साहब द्वारा 4 डिप्टी CM बनाने की बात की गई है, इसको लेकर भाजपा नेता अपने व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी कर रहे हैं, तो क्या इस पर कायम रहेंगे? देखिए ये बात 2019 के चुनाव से पहले, उस चुनाव से पहले जो चुनाव की संगनाथ रैली हुई थी, हुड्डा साहब ने बात वहाँ कही थी, और हुड्डा साहब अपनी बात के धनी व्यक्ति हैं, वो अपनी बात को कहें। क्या नंबर से तोड़ने की बात भी हो सकती है सर, 4 डिप्टी CM की घोषणा करना? देखिए मैंने जैसे कहा कि ये बात हुड्डा साहब ने 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले, ये कोई नई बात नहीं कही गई है, 2019 के चुनाव से पहले रोहतक में जो शंखनाद रैली हुई थी कांग्रेस की, उसमें हुड्डा साहब ने बात कही थी। सितंबर 2019 और लाखों लोगों के बीच में वो बात कही गई थी, और हुड्डा साहब अपनी बात के धनी व्यक्ति हैं, वो अपनी बात पे कायम रहे। विपक्षी दलों का गठबंधन बना हुआ इंडिया, आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में दावा कर रही है कि 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सुशील गुप्ता का जो हाल ही में बयान आया उसमें कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए, तो क्या कांग्रेस ऐसे में 5 सीटों पर समझौता करेगी? दिल्ली में आम आदमी पार्टी, शायद दिल्ली की बात कर रही है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की कोई जनाधार नहीं। हरियाणा में कांग्रेस संगठन बनने की जो है वो काफी टाइम से बात चल रही है, लेकिन बन नहीं पा रहा है, क्या हम कांग्रेस पार्टी का संगठन जब हमें अपनी मजबूती के लिए उसका विस्तार करना होगा तब हम विस्तार करेंगे। इसके लिए मैं समझता हूँ कांग्रेस नेतृत्व वाला कमान बड़े सोच समझ के कांग्रेस की मजबूती के लिए समय अनुसार उसका विस्तार करेगा। वर्तमान में सर क्या स्थिति, कहाँ कौन सी स्थिति भी देखते हो कांग्रेस को अभी चुनाव में बात करें? इन चारों स्टेटों में, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी सरकार बनने जा रही है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और वो लोग राजस्थान में टक्कर बता रहे थे टिकट वितरण के बाद, अब धीरे धीरे, कल मैं स्वयं राजस्थान से आया हूँ, ये बात स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी रिपीट कर रही है।